2018 में माहिती का अधिकार के तौर पर जिला अस्पताल में इलेक्ट्रिक, फायर ब्रिगेड आदि सुविधाओं के बारे में जब पूछा गया तो ना ही फायर एक्सटेंशन था और ना ही फायर लेडर और संबंधित कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके बाद विकास मदनकर द्वारा 2019 में शासन को प्रस्ताव भेजा गया। उसके बाद भी फायर सेफ्टी के लिए कोई भी राशि नहीं दी गई। यदि उपरोक्त सुविधाओं की पहले ही आपूर्ति की जाती तो शायद आज ये हृदय विदारक घटना ना होती। इन 10 मासूमों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ही ये घटना होने की बात कही जा रही है। विकास मदनकर, मैंने 2018 में शासन को पूछा था कि फायर सेफ्टी के बारे में आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। उन्होंने कहा फायर हंड्रेड उपलब्ध नहीं, फायर स्प्रिकलेस उपलब्ध नहीं, स्मोक अलार्म उपलब्ध नहीं, फायर एग्जिस्टेंट कभी भरल्याची माहिती उपलब्ध नाही, फायर के पैसे भरे कुछ नहीं, फायर स्पेल लैडर, फायर स्केप, मतलब फायर की रहती सीढ़ी जो इमरजेंसी वो भी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद मैंने पाठपुराव किया, उन्होंने उसके मेरे कहने पर उन्होंने 20 जुलाई 2020 को फिर शासन को प्रस्ताव भेजा कि भाई हमने भेजा है प्रस्ताव करके। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कॉपी दी कि 18 मई 2020 को शासन को प्रस्ताव दिया। उसके बाद में पूछा भी कि क्या हुआ था अभी तक उनको, उसके बाद में कोई भी पैसा उपलब्ध नहीं हुआ उस फायर सेफ्टी के बारे में। और जो भी दुर्दैवीय घटना हुई उसका हम निषेध करते हैं और जो भी दोषी है उनको तत्काल सजा होनी चाहिए। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।